कोरोना को हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा एक बार फिर से नहीं दो बार कोरोना फ्री होने के बावजूद बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों के कारण एक बार फिर से संक्रमित होने लगा है। 17 अप्रैल को कोरोना मुक्त होने के बाद दिल्ली से आए एक युवक और युवती ने जहां भीलवाड़ा में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की शुरुआत की, तो वहीं 27 अप्रैल को एक ही दिन में जयपुर और मुंबई से आए दो संक्रमित लोगों ने प्रशासन की चिंता अधिक बढ़ा दी है। अब तो प्रशासन ने लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाने शुरू कर दिए। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पहचान छुपाने पर अब परिजनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तारीख को हमारे दिल्ली से आए थे और दो केस जो आज हमारे निकले हैं, इनमें ये सब बाहर के केस हैं। और जो अभी दो केस आज आए हैं उसमें एक तो हमारे चेक पोस्ट टीम ने पकड़ा था जयपुर से, और एक जो है छुपता छुपाता बॉम्बे से कोई एसेंशियल गुड्स के ट्रक में और पैदल चलते हुए यहां पर पहुंचा है, और इनको हमारे कोरोना फाइटर्स ने पकड़ा है। तो जो लोग इस तरह से भीलवाड़ा में बाहर से छुप के बिना परमिशन के आ रहे हैं उनके खिलाफ और उनके परिजनों के खिलाफ जो इन तथ्यों को छुपा रहे हैं, हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, बिना परमिशन आ रहे हैं, तथ्य छुपा रहे हैं जिससे दूसरों के खतरा है।